साथियों, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स का इस्तेमाल बहुत बहुत तो नहीं कह सकते, कुछ कठिन मगर बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल्स का इस्तेमाल कब और किस तरह से किया जाए, आज हम अपनी कक्षा में इसी विषय पर बातचीत करेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि आर्टिकल्स क्यों ज़रूरी है। जब हम किसी वाक्य को बनाते हैं या वाक्य को फॉर्मेट करते हैं तो उसमें ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम ए और एन का इस्तेमाल न भी करें तो वाक्य का अर्थ तो स्पष्ट हो जाता है मगर वाक्य में सुंदरता नहीं रहती और उसमें पूर्णता नहीं रह पाती है। तो आर्टिकल्स का इस्तेमाल कब और कैसे किया जाए, आज हमारी चर्चा का विषय यही है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और दी। जी, आज हम बात करेंगे ए और एन के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ए और एन हम कब इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमें अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउंस को जानना जरूरी है। जी, जैसा कि नाम से है स्पष्ट है कि काउंटेबल मतलब जिनकी गणना की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके, और अनकाउंटेबल यानी जिसकी गणना न हो सके या हम जिसको गिनने में अपने आप को असमर्थ समझते हैं। जैसे माई फादर इज एन इंजीनियर। इंजीनियर शब्द अपने आप में एक शब्द है, यानी उसमें कहीं भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। जी। तो उसको ही इज एन इंजीनियर, तो ए का शब्द, यानी हमें यह भी स्पष्ट करना है कि जब कोई भी संज्ञा एक वचन में हो या सिंगुलर में हो तभी हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जैसे हाउस, काउ, इंजीनियर, गर्ल, डॉक्टर, ये सब एक ऐसे वर्ग हैं जो एक वर्ग विशेष को हमें हमारे सामने स्पष्ट करते हैं, यानी एक वर्ग विशेष को स्पष्ट करते हैं। और इसमें ये जानना जरूरी है कि उस वर्ग के बारे में वो क्या बताना चाह रहा है। इसके अलावा जैसे कि हम बोले कि अगर फोन मी दिस मॉर्निंग, अगर फोन मी दिस मॉर्निंग, यानी एक लड़की जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अगर हम उसकी जगह ये बोलें कि माय पेरेंट्स आर डॉक्टर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, माय पेरेंट्स आर डॉक्टर। इसको हम इस तरह से नहीं बोल सकते माय पेरेंट्स आर अ डॉक्टर, क्योंकि पेरेंट्स में माता पिता दो आ जाते हैं और जैसे कि स्पष्ट है कि हमें एक वचन में ही ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेरेंट्स हमने जब बोला है तो इसका मतलब माता और पिता दोनों डॉक्टर हैं, उसके आगे हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह से वुड यू लाइक सम सॉल्ट, क्या आपको थोड़े से नमक की जरूरत है, तो नमक भी अपने आप में अनकाउंटेबल है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बोलेंगे वुड यू लाइक सम सॉल्ट, ना कि वुड यू लाइक अ सॉल्ट। ये बात आप लोग को स्पष्ट हो गई। यही बात हमें कक्षा में अपने बच्चों को समझाना है। और यदि कोई आपसे पूछे, जैसे कोई बच्चा सवाल करता है कि ये क्या है, तो दिस इज अ टेबल, दिस इज अ टेबल। मगर वहीं पर अगर आपसे पूछते हैं कि एक सेब रखा हुआ है, उसके आगे अगर पूछे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आप बोलेंगे दिस इज एन एप्पल। अब एक वस्तु के लिए हमने ए शब्द का इस्तेमाल किया और वहीं दूसरी वस्तु के लिए हमने एन शब्द का इस्तेमाल किया। अब हमें कक्षा के छात्रों को यही समझाना है कि ए और एन का इस्तेमाल हम कब और कहां करते हैं। एक बात हम साफ कर लें कि ए शब्द का इस्तेमाल या एन शब्द का इस्तेमाल हम किन कंडीशंस में करते हैं, कि जब किसी समूह विशेष की बात हो, जैसे कैट, काउ, इंजीनियर, गर्ल, बॉय, ये एक समूह है, एक विशेष वर्ग है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं ए या एन का शब्द जब हम उस वस्तु या व्यक्ति को डिस्क्राइब करते हैं, यानी उनका वर्णन करते हैं। जैसे माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर
इज अ डॉक्टर, यानी मेरे पिता क्या है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बात हमको और ध्यान में रखना है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का हमें ध्यान रखना है, यानी जहां काउंटेबल नाउन होगा, जहां सिंगुलर और सिंगुलर होगा, जहां एक वचन होगा और जिसकी गणना की जाए, क्योंकि सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, यानी एक, तो वहां पर हम एश का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अनकाउंटेबल के आगे हम न ए का और न ही एन का इस्तेमाल करेंगे। अभी ये बात स्पष्ट हुई। अब हमको कक्षा में ये बात बतानी है कि इनका इस्तेमाल ए और एन का इस्तेमाल कब करना है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन शब्द, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, व्यंजन शब्द होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये हैं कॉन्सोनेंट्स, यानी जिसे हम हिंदी में व्यंजन अक्षर बोलते हैं, और इसमें कुछ अक्षर मिसिंग हैं, छुपे हुए। कौन कौन से हैं वो? ए ए ई आई ओ एंड यू, ये हो गए कॉन्सोनेंट और ये हो गए वॉवेल। अब हमें ये बात कक्षा में स्पष्ट करनी है कि जो शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं उनके आगे हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ कैप, अ काउ या अ जिराफ, अ हैन, समझ के, क्योंकि ये ए से कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा जब हम ए ई आई ओ यू इन शब्दों से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, इन अक्षरों से जो शुरू होने वाले शब्द हैं, उसके आगे हम लगाते हैं एन, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन आउल, एन इंजीनियर। ये किससे शुरू हो रहे हैं? ए ई ओ, और इस तरह से हम कह सकते हैं अम्ब्रेला, यू एन बी आर ई एल एल ए, अम्ब्रेला, ये यू से स्टार्ट हो रहा है। ये सारे जो शब्द कहलाते हैं वो कहलाते हैं वॉवल से शुरू होने वाले, इनके आगे हम लगाते हैं एन। लेकिन इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शुरू तो कॉन्सोनेंट से होते हैं मगर उनका प्रोनंसिएशन हमें ऐसा लगता है कि जैसे उसको वॉवल से स्टार्ट किया गया है, जैसे एम पी, ऐसा लग रहा है कि ये एम से स्टार्ट है, मगर जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ई एम से स्टार्ट हुआ है, एम पी, क्योंकि ए सेज अ, ई सेज ए, आई सेज ए, यू सेज कभी कभी य और कभी ओ, और ओ सेज ओ। तो जब हम एम पी लिखा है तो ऐसा लग रहा है कि एम ई एम से स्टार्ट हुआ है, मगर किससे स्टार्ट हुआ है? एम से। तो हम इसके आगे एन एम पी लगाएंगे, एन एम पी। इसी तरह से अ यूनिवर्सिटी, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, अब यहां तो वॉवल से स्टार्ट हुआ है मगर हमने ए लगाया है, ऐसा क्यों? वो इसलिए स्टार्ट कौन वॉवल से है मगर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रहा है? य से, यूनिवर्सिटी, तो उसके आगे हमने लगाया ए। इसी तरह से कई और शब्द हैं,
एन आर। स्टार्ट किससे हो रहा है? एच से, जो कि कॉन्सनेंट है, मगर प्रोनाउंस हम कैसे कर रहे हैं? एन आर। इसको हम इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एन आर। एन ऑनरेबल मैन। स्टार्ट किससे है? एच से, मगर प्रोनाउंस कैसे हो रहा है? ऑनरेबल, वॉवल से। इसी तरह से एन यूरोपियन। स्टार्ट ई से हो रहा है, मगर प्रोनाउंस कर रहे हैं हम यूरोपियन। यूरोपियन, तो इसकी जगह हम, जब हमने यहां पर, आपने बहुत सही से बात पकड़ी, हम इसको पढ़े हैं यूरोपियन, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है? ई से, तो हम यहां पर एन नहीं, ए का इस्तेमाल करेंगे। जी, स्टार्ट हो रहा है ई से, मगर प्रोनाउंस हो रहा है यू से। अ यूनिवर्सिटी। स्टार्ट हो रहा है यू से, मगर प्रोनाउंस कर रहे हैं हम य से। तो ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी, और यही बात हमें बच्चों को कक्षा में समझानी है कि हमको कब और कहां ए और एन का इस्तेमाल करना है। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, कि जो शब्द वॉवल से स्टार्ट होते हैं, वॉवल शब्द कौन से, वॉवल अक्षर कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल अक्षर है, और इससे जो भी शब्द स्टार्ट होता है उसके आगे हम लगाते हैं एन। और ऐसे शब्द जिनका कॉन्सोनेंट से तो शुरू हो रहे, लिखते समय कॉन्सोनेंट से लिखते हैं, मगर उच्चारण वॉवल से होता है, तब हम लगाएंगे एन। और इसी तरह से जब कॉन्सोनेंट से हम शुरू करते हैं कोई भी शब्द लिखना, तो उसके आगे हम लगाते हैं ए। जी, हम समझते हैं कि आज ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई होगी, और यही बात कक्षा में विद्यार्थियों को समझानी है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। आज की कक्षा में हम यही, आज हमारी चर्चा का विषय यही रहा है कि ए और एन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। अगली कक्षा में हम जब भी कभी मिलेंगे, तो अगली कक्षा में हमारी चर्चा का विषय रहेगा आर्टिकल द।